मास टीवी हम लोगों ने 9 दिसंबर 2022 को इंडिया में लॉन्च किया, और जब इसका लॉन्चिंग हुआ तो ये जो चैनल हमने बनाया था, ये दर्शकों के लिए, दर्शकों के द्वारा बनाया हुआ चैनल है, और दर्शकों के पसंदीदा प्रोग्रामों को लेकर हम लोग आए हैं। चूँकि इंडिया में, भारत में, ये समझिए आप एक लोकल चैनल हम कह सकते हैं, और उसमें जो भी आपको टेस्ट मिलेगा, प्रोग्राम्स का टेस्ट मिलता है, वो एक लोकल मास्क को देखकर हम लोगों ने इसको तैयार किया पूरा, कि जो कल्चर है हमारा, हम उसको देखकर बना रहे हैं इसमें। तो OTT का मतलब ही हमने एक लोकल कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए हमने सब चीज़ें बनाई हैं। जैसे इसमें आपने मिशन 70 देखा होगा, जो पूरे कश्मीर समस्या को लाता है। वहीं आपने रगड़ बगड़ सर देखा होगा, वो आपका पूरा UP हरियाणा का टच पूरा उसमें मिलता है। आने वाले समय जम्मू के कुछ हैं, आपके राजस्थान की हम कहानियाँ लेकर आ रहे हैं, महाराष्ट्र का हम भूख लेकर आए उसमें, और उसके बाद अभी दो बड़ी समस्याएं जो कश्मीर में चल रही हैं आतंकवादियों को लेकर, वो 26 जनवरी को दो बड़े शो हम लोगों ने, दो फिल्में लॉन्च की, जहाँ एक बुरहान बानी जो कि एक बहुत बड़े आतंकवादी थे, जिनके कारण काफ़ी दिन तक, 6 महीने तक कश्मीर बहुत डिस्टर्ब रहा उनके मरने के बाद, जो पोस्टर बॉय हुआ करता था, और बहुत ज़्यादा मिलिट्री को, पुलिस को, पूरे देश को काफ़ी तकलीफ हुई थी उसके बाद। उसके बाद एक बड़ा मतलब उसके बाद जो हमारे यहाँ पर काफ़ी सैनिकों को, सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आती है कि आप OTT प्लेटफॉर्म का मतलब आज की दुनिया में सब लोग ये समझते हैं कि उसमें बोल्ड सीन होंगे, उसमें कुछ हॉट कंटेंट होंगे। इस कारण से लोग, जो भी एक अच्छी फैमिली के लोग हैं, वो थोड़ा सा बच्चों को उसको देखते हैं, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे नहीं देखें उन चीज़ों को। लेकिन ये एक बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड चैनल है हमारा, OTT प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपको कल्चर, जैसे बाहर की जितनी मूवी आ रही हैं उनको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, उसमें इंडियन कल्चर को, हम इंडियन बच्चों को एक अच्छा ज्ञानवर्धक चीज़ें देकर, और उनको एक पूरी नॉलेज देना चाहते हैं कि इंडियन कल्चर है क्या। तो आप कहीं भी वल्गरिटी, हॉट, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, आप पूरी फैमिली से इसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया हुआ ही चैनल है बेसिकली, और उस कल्चर को देखते हुए बनाया है। हम लोग बहुत केयर कर रहे हैं, बनस्पत जो आप चैनल देखते हैं उसमें कुछ अगर वल्गरिटी है, कुछ वर्ड ऐसे बोले गए हैं जो कि हम नहीं चाहते परिवार में सुने जाएं, उसके लिए स्टार्ट होते ही उसमें लिखा हुआ था कि आप अगर 18 ईयर के अबव हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो उस टाइप के हमने रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं उसके अंदर, कि उसके हिसाब से आप चल सकते हैं उसको देखने के लिए। देखिए, हम मोस्टली सोशल ड्रामा लेकर आए हैं पूरे सब्जेक्ट्स में, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने अभी नया उसमें म्यूज़िक का फ्लेवर भी लेकर आ रहे हैं हम लोग, जो कुछ अच्छे इंडियन जो सॉन्ग्स हैं, और खुद हमारे प्रोग्राम्स में चल रहे हैं, कुछ अपना म्यूज़िक हमने उसमें स्टार्ट किया है, वो सब कुछ इंडियन कल्चर को लेकर बना हुआ है। वो कोई बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को हम किसी भी प्रोजेक्ट में लेकर नहीं आ रहे हैं, नहीं हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे। एक चैनल को हर महीने कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है, ठीक है, हम उस पैटर्न पे चल रहे हैं कि जैसे अभी थोड़े टाइम बाद आपकी होली आएगी, तो हम होली फ्लेवर को लेकर चलें उसमें, राखी को लेकर चलें, तो जो जो त्यौहार वक्त के हिसाब से आते चले जाएंगे, उन फ्लेवर को लेकर हम लोग अभी आपके सामने लेकर आएंगे। अभी हर महीने हमारे कम से कम 3 से 4 नए प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी 14 फरवरी को हमारा नया एक बाबा सीरियल आ रहा है, जो कि पूरा का पूरा मतलब आप समझिए कि एक लव स्टोरी टाइप को इंडिकेट करता है, वो कहानी है। उसके बाद इस महीने के एंड में हमारा लीच आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हम लोगों का, जिसका काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में हमारा जो नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसमें वुमेंस डे आ रहा है, तो वुमेंस डे पर हम लोगों का एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट निकल कर आ रहा है, जो फीमेल को ओरिएंटेड कर रहा है। इसके अलावा समय समय पर हम जो जो आपके त्यौहार आते रहेंगे, उन त्यौहारों पर लोगों की पसंद के हिसाब से हम उन चीज़ों को देते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें फिल्में बहुत सारी हैं हमारे पास, जो आपको फिल्मों में भी आपको वल्गरिटी दिखे ही नहीं देगी उसको, कोई गंदी फिल्में, कुछ एडल्ट फिल्में होती हैं, कुछ वैसे, तो उस फिल्मों को हम लोगों ने काफ़ी अवॉइड किया है, तो वो चीज़ आप सब देखने को। मास टीवी ऐप है, ये आपको आसानी से गूगल पे, आपको ऐप स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के ऐप स्टोर पर जाकर जा सकते हैं आप लोग। अगर आपके पास फायर स्टिक है, आप उस पर जा सकते हैं आप। अगर एंड्रॉयड टीवी आपके घर पर है तो आप उस पर देख सकते हैं। आपके पास JioTV का सेट टॉप बॉक्स है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, जैसे आप एंड्रॉयड टीवी पर जाते हैं तो एंड्रॉयड टीवी पर आप उसमें ऐप स्टोर खोलिए,
ऐप स्टोर खोलेंगे, खोलते ही आप उसमें मास्क दाबिए, मास्क टीवी हमारा ऐप आ जाएगा। एक बार आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो लगातार आपके पास में डाउनलोड दिखाई देगा। जियो के आपके सेट टॉप बॉक्स पे भी उपलब्ध है ये, इसमें आसानी से देखने को मिलता है ये, तो वो एक सब जगह पे मोस्टली देखने को मिल रहा है आपको आज की तारीख में। क्या इसके लिए लोग पैसे खर्च करने पड़ेंगे? देखिए कुछ 95% से अबव हमारे सारे प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि हमारे काफ़ी कल्चर्स है वो फ्री में फिल्में देखना पसंद करती है, सीरियल्स देखना पसंद करती है। कुछ कंटेंट हैं जो लोग हम लोग प्रीमियम क्वांटिटी क्वालिटी पर लेकर जा रहे हैं, जिसका जो हम लोग मंथली एक सब्सक्राइब कर रखा है हम लोगों ने, वो अभी 89 रुपीज़ पर मंथ है हम लोगों का। जो आप 89 पर मंथ पे करेंगे तो उस पर आपको उस वो कंटेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन इन फ्यूचर में, क्योंकि डेफिनेटली उसमें प्रीमियम में हमको क्वालिटी बहुत हाई रखनी पड़ती है, तो हायर क्वालिटी वालों को हम एक अलग से प्रीमियम उसमें 4K में 8K में देना चाहते हैं क्वालिटी, तो डेफिनेटली उसके लिए हम प्रीमियम कंटेंट में देख सकता है, सीरियल्स देख सकता है। मोस्टली सीरियल जितने भी उनके पहले एपिसोड फ्री होते हैं हमारे उसमें, ताकि उसको अगर इंटरेस्ट लगेगा तो आगे के एपिसोड वो देखें, प्रीमियम में देखें। हिंदी में फिल्में अपलोड करा रहे हैं, जिसमें आपकी बॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में मिलेंगी आपको, साउथ इंडियन मूवी हो पूरी डब करके हम लाए हैं, आपकी जितनी हॉलीवुड की मूवी हैं उनको भी हमने हिंदी में डब करके लिया है, क्योंकि टारगेट हमारा हिंदी ऑडियंस है अभी, तो हम हिंदी ऑडियंस को देखते हुए पूरा पूरा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम काफ़ी बड़ी मात्रा में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग इसमें कार्टून फिल्म्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमको हर एक आदमी को देखना है। इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा इसमें आध्यात्म का चैनल शुरू कर रहे हैं हम लोग, आध्यात्म का पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ आदमी थोड़ा आध्यात्म का पार्ट भी देखना चाहता है जीवन में, कि साहब आध्यात्म क्या करना है, उसको क्या चीज़ें सुननी है अपने, उस पर जा रहे हैं हम लोग कम्प्लीट। एक म्यूजिक सेक्शन में म्यूज़िक का पूरा पूरा पार्ट दे रहे हैं हम आपको, ताकि आपको कभी कान में म्यूज़िक भी सुनना है तो आप कार में लगाकर म्यूज़िक सुन सकते हैं उसमें, तो वो सारे के सारे पार्ट एक के बाद, मतलब पूरी फैमिली एंटरटेनमेंट का पूरा पूरा हम आपको पूरा ऐप दे रहे हैं। देखिए वैलेंटाइन बेसिकली है तो हमारे देश का कल्चर नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली जो यंग जनरेशन है उनके लिए हम 2-3 सीरियल इसमें बहुत अच्छे लेकर आ रहे हैं वैलेंटाइन के लिए, जिसमें बताया मैंने आपको बाबा लिया है, एक बाबा लेकर आ रहे हैं, एक पूरा जम्मू की पूरी कहानी है, लव स्टोरी है पूरी पूरी, हम उसको उसमें लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ फिल्में हैं जो कि पूरी लव को इंडिकेट करती हैं, वो हम इसमें जी, आप कुछ बच्चों की कार्टून फिल्म्स आ रही हैं जो कि अभी हॉलीवुड में रिलीज़ हुई हैं, वो फिल्में हम लोग लेकर आ रहे हैं। दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हम लोगों का, जो कि ईद पर हम लोग लाना चाह रहे हैं, तो ईद पर एक मुस्लिम कल्चर की मूवी है पूरी पूरी कंप्लीट, उसको हम लाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो काफ़ी जानकारी देगी आप लोगों को, तो काफ़ी अच्छी फिल्में हैं हमारे पास जो अभी भी कम से कम 140 फिल्में आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेंगी।